बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिया किचन। जी व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं चिकन लज़ानिया, जो बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत टेस्टी। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी तरीके से घर में बन जाता है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, मैंने हाफ़ के जी चिकन का कीमा लिया है। हाफ़ के जी आपने कीमा लेना है, प्याज लेना है एक बड़ा वाला, दो टमाटर, उनका पेस्ट बना लेना है आपने इस तरह से। आप चाहें तो टमाटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं, या अदरक लहसुन का पेस्ट है। हम 1 टीस्पून ऐड करेंगे ऑरिगेनो चिली सॉस, सोया सॉस ये आप ऐड करेंगे, नमक 1/2 टीस्पून, हल्दी बिल्कुल चुटकी भर आप डालेंगे, खुश धनिया, रेड चिली, ब्लैक पेपर ये आपने 1/2 टीस्पून डालना है इसमें। सबसे पहला स्टेप होता है कीमा बनाने का। हमने सबसे पहले कीमा फ्राई करना है, अच्छे से बनाना है। तो उसके लिए हमने एक फ्राई पैन ली, उसमें 1 टेबल स्पून जितना मैंने ऑयल डाला और 1 प्याज ऐड कर दिया। प्याज को आपने अच्छे से फ्राई करना है। प्याज को अच्छे से फ्राई करने के बाद आपने फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। अदरक लहसुन का पेस्ट आपने 1 टीस्पून ऐड करना है। देन हम कीमा ऐड कर देंगे। कीमा ऐड करने के बाद हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे, नमक, मिर्चें, ब्लैक पेपर, हल्दी, सब आपने 1/2 टीस्पून जितना स्पाइसेस डाल देनी है। उसके बाद हम पेस्ट डालेंगे, टमाटर का पेस्ट, टमाटो केचप है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। अच्छे से फ्राई करने के बाद हम इसमें सोया सॉस, चिली सॉस, ऑरिगेनो ये डाल देंगे। फिर इसको फ्राई करने कर लेंगे। आप चाहें तो इसको सॉसी भी रख सकते हैं, बट मुझे फ्राई किया हुआ पसंद है। तो इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारा कीमा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम अपने सेकंड स्टेप, वाइट सॉस। वाइट सॉस के लिए हमें 2 टेबलस्पून मैदा चाहिए, बटर हमने 1/2 ले लिया, ऑरिगेनो 1 गिलास दूध, नमक, ब्लैक पेपर ये चीज़ें हमें चाहिए वाइट सॉस के लिए। एक फ्राई पैन ली हमने, उसमें बटर डाल देना है। बटर डाल के उसमें उसके साथ ही हम थोड़ा सा ऑयल या घी शामिल कर देंगे ताकि बटर जल ना जाए। 2 टेबलस्पून जितना हम मैदा डाल देंगे इसमें। इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। जब अच्छी सी खुशबू आएगी फिर हम इसमें दूध शामिल कर देंगे। 1/2 मिल्क मैं अभी ऐड कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं इस तरह गाढ़ा हो जाएगा। फिर आपने इसमें नमक, ब्लैक पेपर और ऑरिगैनो शामिल कर देनी है 1/2 टीस्पून जितना। फिर हम इसमें बाकी का दूध शामिल कर देंगे। अगर आपको ये गाढ़ा लगे तो इसमें आप और दूध शामिल कर सकते हैं। ये चीज़ स्लाइस है मेरे पास रखी थी, मैंने चीज़ स्लाइस इसमें शामिल की है। आपके पास जो भी चीज़ है वो आप इसमें डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो डजेंट मैटर, इसका टेस्ट वैसे भी बहुत मज़े का होता है। ये हमारा वाइट सॉस रेडी हो गया है। अब यहाँ पर मैं शीट्स लूँगी, प्री कुक शीट्स मैंने ली हैं। इसको बॉयल नहीं करना, इसको ठंडे पानी में मैंने रख दिया है। इसको ठंडे पानी में इस तरह आपने रख देना है 2-3 मिनट के लिए। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से ये होती हैं प्री कुक शीट्स, इनको बॉयल नहीं करना पड़ता। ये पानी है, इसको बस पानी में रख देना है और जब आपने ये रेडी करना है तो उसी वक्त ही आपने इसमें लगा लेना है। मैंने यहाँ पे छोटा वाला मोल्ड लिया है क्योंकि मैंने 2-3 बंदों के लिए बनाना है। अगर आपने ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है तो इस तरह का आप ले लेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे वाइट सॉस। सबसे पहले हमने वाइट सॉस लगाना होता है। उसके बाद मैंने ये शीट्स रखी, इनको कोई मैंने बॉयल नहीं किया। ये बहुत ही मज़े के, मतलब बॉयलिंग का कोई भी मतलब, पहले बॉयल करें फिर उसको लगाएं, तो इस तरह ये शीट्स बेस्ट लगी हैं मुझे, प्री कुक्ड शीट्स, तो ये अच्छी होती हैं, आपने यही चूज़ करनी है। तो इस तरह कीमा हमने डाल दिया और ये चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ वो भी मैं डाल दूंगी। फिर हम दोबारा से सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, शीट्स लगाएंगे। आप चाहें तो शीट्स को दरमियान से काट के उसको इस तरह सेट कर सकते हैं। इस तरह सेट करके आपने वाइट सॉस लगाना है, कीमा, और फिर आपने चेडर चीज़ एंड मोज़रेला चीज़ वो डाल देनी है।
आप चाहें तो पिज़्ज़ा चीज़ जो होती है वो भी जस्ट शामिल कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है क्योंकि मैंने तो ये चीज़ी बहुत चीज़ी मुझे चाहिए था लज़ानिया। आप चाहें तो सिर्फ टॉप पे भी चीज़ डाल सकते हैं। सेम प्रोसेस, वाइट सॉस, कीमा एंड चीज़ हम शामिल करेंगे। ये चीज़ मैंने डाल दी है, इसको प्रेस करेंगे। उसके बाद बारीक आपने शिमला मिर्चें काट लेनी है, उसको इस तरह से आपने फिर सेट कर देना है। और ये गोल वाली रेड मिर्चें इनको आपने क्रश करके डाल देना है, इससे स्पाइसी टेस्ट आता है, इससे बहुत मज़े का और स्पाइसी टेस्ट आता है। उसके बाद एक कढ़ाई में आपने इसको रख देना है। 40 मिनट्स के लिए मैंने इसको बेक किया है ये कढ़ाई हमने लिए, इसमें ढक्कन रखा, कोई भी प्लेट आप रख सकते हैं स्टील की। 40 मिनट्स के लिए मैंने इसको बेक किया है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, इसकी लुक कितनी मज़े की, और इसका टेस्ट भी बहुत ही क्रीमी चीज़ी सा है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और इसकी कटिंग, इसको रेस्ट दे के फिर इसकी कटिंग होती है, क्योंकि चीज़ मेल्ट होती है तो कटिंग ठीक से नहीं होती, आपने रेस्ट दे के फिर इसकी कटिंग करनी है। और ये बहुत मज़े का लगता है, ये देख सकते हैं आप, इतना क्रीमी चीज़ी सा है, इसका टेस्ट बहुत मज़े का है। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।